पैटर्न टू। तो उसके लिए पहले देख लेते हैं कि स्टार पैटर्न टू कैसा होगा। ये हमारा स्टार पैटर्न टू का फिगर है, ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। हमें यही स्टार पैटर्न अपनी आउटपुट स्क्रीन पर शो कराना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही फोर बेसिक स्टेप फॉलो करेंगे जो मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताए हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं स्टेप वन से। तो स्टेप वन क्या था हमारा, स्टेप वन था कि हमें जितनी भी लाइंस हैं, ठीक है, जितने भी स्टार हैं उनके बीच रोज और कॉलम बना देने हैं। तो लाइन खींच लेंगे, पार्टीशन कर देंगे इनका। तो ये हमारी रोज़ और कॉलम में डिवाइड हो गई। जो हमारा पहला स्टेप था वो यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो टॉप से बॉटम जा रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं कॉलम मान लेंगे, ठीक है। और जो फ्रॉम ये जो हमारा है इसको हम लोग रो मान लेंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कह सकते हैं। बेसिकली इसमें जो स्टार पैटर्न है वो हमारा राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो इसको हम लोग रो मान लेंगे। तो अब इसको कॉलम को हम लोग आई से डिनोट कर देते हैं और रोज़ को हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को हम लोग आई से डिनोट कर देते हैं और रोज़ को हम लोग जो है वो जे से डिनोट करेंगे, ठीक है। आइए इनकी जल्दी से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा कि यहाँ नंबरिंग मैं किधर से कर रहा हूँ, जिधर से स्टार पैटर्न बनना शुरू होगा नंबरिंग हमेशा उधर ही से होगी। अब इस बार इसमें जो नंबरिंग है वो इधर से ही होगी, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए आप इसको, नंबरिंग हमेशा ऐसे ही करनी है हम लोगों को। और इसके बाद हम लोगों को करना है इसको थोड़ा आसान तरीके में लिखना है। तो आइए चलिए चलते हैं अपने स्टेप सेकंड की तरफ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे आई और दूसरी तरफ लिख लेंगे जे। अब हम लोग आई की पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। तो आई की वैल्यूज यहाँ पे क्या क्या है, 1, ध्यान से देखिए यहाँ आई की वैल्यूज क्या क्या है। आई की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो हम लोग आई की वैल्यू फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जे की वैल्यूज लिखनी है आई के साथ जो होंगी। तो जब हमारा आई 1 था तो हमारी जे की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जब हमारा आई जो है 1 है तो हमारी जे की वैल्यू जो है वो 5 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 5। फिर ध्यान दीजिए, जब हमारी आई की वैल्यू 2 हो रही है तो हमारी जो जे की वैल्यू है वो 5 और 4 हो जा रही है, ठीक है। तो जब हमारी जे की वैल्यू 2 हो रही है, ठीक है, ऊपर ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे जे की वैल्यू आई की वैल्यू 2 हो रही है तो यहाँ जे की वैल्यू 5 और 4 हो जा रही है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 5 और 4। सिमिलरली जब आई की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पर हो जाएगा 5 4 और 3, ठीक है। और उसी के बाद जब यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 3 और 2। और जब यहाँ पे 5 की वैल्यू 5 हो जाएगी तो यहाँ पे कितने स्टार बने, ऊपर देखिए यहाँ पे नंबरिंग जो है 1 2 3 4 5 हो जाएगी। तो आइए जल्दी से लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हमने एक थोड़ा सा जनरलाइज वे लिख लिया, क्योंकि कोडिंग हमारी इसी की मदद से होनी है। तो हमने ये स्टेप लिख लिया बेसिकली। और आइए चलिए देखते हैं कि हमारा जो अगला स्टेप होगा वो कैसे होगा। तो अगला स्टेप क्या करेंगे, हम इसी को स्टेप टू को ही थोड़ा और जनरलाइज्ड वे में लिखेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए फिर से लिखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें आई की जो वैल्यू है फिर से हम लोग जल्दी से फटाफट लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जनरलाइज्ड वे में कहने का मेरा मतलब क्या है, जनरलाइज्ड वे में मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आई की वैल्यू 1 हुई तो हमारा जो स्टार था वो 5th नंबर पे था, ठीक है। तो वो पहला मतलब जो बन रहा है वो 5वें नंबर का बन रहा है। तो अगर इसमें हम ऐसा क्या लिख दें जे की जगह पे कि एक ही स्टार प्रिंट हो, ध्यान से सुनिएगा कि हम जे की जगह क्या लिख दें। ध्यान से देखिए फिगर को, हमारा जो पहला स्टार है वो एक ही है। तो सबसे ऊपर जो हम कमांड देना चाह रहे हैं वो किस चीज़ की है, वो इस चीज़ की होगी कि हमारा जो पहला स्टार है
जो पहला स्टार है वो प्रिंट कैसे हो। तो हम लोग को इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम ये स्टेटमेंट लिख दें कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब ये स्टेटमेंट जाके चेक करेगा कंडीशन को कि जे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो जी हाँ बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो पहला आया था, पहला डिजिट जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, वो हमने लिखा हुआ है 5। ठीक है, अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, और जो हमने यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है वो भी क्या है, वो एकदम मैच कर रहा है उससे। ठीक है, तो जे जब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो प्रोग्राम है वो रन करेगा, प्रोसेस करेगा और देखेगा कि आई इक्वल्स टू 1 पे जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, और वो कंडीशन सही होने के बाद एक स्टार बना देगा और प्रोग्राम को स्किप कर देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए, अब यहाँ पे वापस आइए, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सेकेंड फर्स्ट स्टेप जो हमारा था। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए पहले तो हमें स्टार प्रिंट कराना है, लेकिन बाकी यहाँ पे स्पेस हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे लाइन चेंज हो रही है। ध्यान से देखिएगा, ये जो स्टार हमने बनाया है, उसके बाद यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, ये जो मैं डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये सारी स्पेस है। ठीक है, तो हम जहाँ जहाँ स्टार प्रिंट करा रहे हैं वहाँ तो स्टार हम प्रिंट कर देंगे। जैसे हमने मान लीजिए कोई लिखा इफ दिस कंडीशन, इफ जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 देन प्रिंट एफ का यूज करके हम लोग कर देंगे प्रिंट स्टार। लेकिन अगर नहीं हो रहा, ये स्टेटमेंट गलत हो रही, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एल्स का यूज करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे एल्स प्रिंट स्पेस। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी स्पेस मान लेते हैं और स्पेस से डिनोट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये तो हो गई पहली बात। अब यहाँ पे पहला स्टार प्रिंट होने के बाद ये लाइन भी चेंज होगी। ठीक है, पहला स्टार प्रिंट होने के बाद हमारा जो ये स्टार है, ये प्रिंट होने के बाद हमारी लाइन चेंज होगी और ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए हम लोग, नेक्स्ट लाइन में इसको लाने के लिए हम लोग बैक स्लैश एन का यूज़ करते हैं, तो वो भी हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो आइए चलिए वापस चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ और इसमें देखते हैं। तो जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अभी आप वापस आप आइए यहाँ पे और देखिए। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे लिखा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, तो जे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में आप अगर अगर देख पा रहे हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में ये दो वैल्यू आ रही हैं। ठीक है, आई इक्वल्स टू 2 पे जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में ये दो वैल्यू आएंगी, तो दो स्टार प्रिंट करा देगा वो। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, जब हम वापस से 3 पे जाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और सिमिलरली 4 पे लिख देंगे जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ऐसे क्या होगा, बारी बारी हमारा सारा जो प्रोग्राम है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें लिखने में हमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमें लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ये स्टेप बेसिकली क्या है, ये हमारा लीड करेगा स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में हमारा क्या होगा, एक जनरलाइज्ड फार्मूला हम लोग बनाएंगे जो इन सभी स्टेप्स को कंबाइंड कर ले। ठीक है, तो जनरलाइज्ड वे में हम लोग इसको लिखेंगे, ये कह सकते हैं, और जनरलाइज्ड फार्मूला आप देखिए मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4+i, ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे जनरलाइज फार्मूला जो है वो लिख दिया जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4+i, तो जब मैं 4+i करूँगा और i की वैल्यू 1 रखूँगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब 4 की जगह 4+j > j > 4+i करूँगा और i की वैल्यू 1 रखूँगा, तो ये क्या होगा, 5 हो जाएगा, पहला स्टार तो हमारा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यही वैल्यू आगे बढ़ानी चाहिए, ठीक है, अगर मैंने यही वैल्यू आगे बढ़ानी चाहिए तो क्या होगा, मान लीजिए मैं आई इक्वल्स टू 2 पुट करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4+i करूँगा, और यहाँ पे जब 4+i करूँगा और i की वैल्यू 2 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 2 पुट करने पे ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जा रहा है। तो मुझे इसका दूसरा फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे लिख दूँ जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6-i, ठीक है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला जो है ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, और ये जो नीचे वाला है, आइए इसको चेक करते हैं ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं वापस से आता हूँ ऊपर और यहाँ पे मैंने i की वैल्यू पुट की, ठीक है, i की वैल्यू मैंने 1 पुट की, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जे ग्रेटर इक्वल टू 6-i, और जब मैं 1 पुट करूँगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, जो पहला मतलब, हाँ, मान लीजिए कि अगर, जैसे मान लीजिए, आइए यहीं पे साइड में एक बार चेक कर लेते हैं,
यहाँ पे साइड में चेक कर लेते हैं। मैंने फॉर्मूला लिखा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस आई, और मैंने आई बराबर जो है 1 पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो पहला स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमारी पहली पोजीशन पे क्या है, 5 है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो हमारा 5 है, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली मान लीजिए मैंने आई की जो वैल्यू है, सिमिलरली मान लीजिए मैंने आई की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दी, तो फिर से हम लोग जाएंगे जे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस आई का यूज़ करेंगे, और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 6 माइनस 2 लिख देंगे, बराबर 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो ये क्या हो रहा है, एक ये सिंपल फार्मूला जो हमने स्टेप 4 पे लिखा, ठीक है, ये जो सिंपल फार्मूला हमने स्टेप 4 पे लिखा, ये क्या करेगा, हमारे सारे ऊपर वाले फार्मूलों को जनरलाइज कर देगा और एक ही स्टेप में इसको प्रोग्राम को रन कराने में मदद करेगा। सिमिलरली आप सारे आई की वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं जाकर, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनल स्टेप जो होगा हमारा प्रोग्रामिंग का होगा। ठीक है, ये प्री प्रोसेसर है जिनको हमने इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, ये फंक्शन है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। एक यहाँ पे हमने इंटीजर ले लिया है, मतलब इंटीजर दो लिए हमने, आई कॉमा जे, जैसा कि हमने यहाँ पे अपने शुरुआत में देखा था कि हमने दो, एक कॉलम माना है और दूसरे को हमने रो माना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस से प्रोग्राम पे आएंगे, उसके बाद हम लोग लूप का यूज़ करेंगे फॉर, ठीक है, वैल्यू जहाँ से जहाँ तक होगी, वैल्यू जहाँ से जहाँ तक होगी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फॉर हमारी वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है आई में। ठीक है, तो हम लोग आई इक्वल्स टू 1 से लेकर i < 5 तक जाएंगे, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें बारी बारी स्टार बढ़ाना है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लूप पे आएंगे, जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है हम लोग उसको ट्राई करेंगे, और उसमें भी हमारी वैल्यू 5 तक गई है। ठीक है, तो जे लेस देन इक्वल टू 5 लिखेंगे, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे। अब ये इफ़ जो है मैंने यहाँ पे वैकेंट कर रखा है, इफ़ की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, वही स्टेटमेंट जो हमने ऊपर बनाई हुई है। ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस आई। ठीक है, तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस आई जब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे इफ़ की स्टेटमेंट में, तो उसके बाद हमें क्या कराना होगा, प्रिंट स्टार। ठीक है, ये स्टेटमेंट रन करेगा, चेक करेगा जाके, और अगर ये सही होता है तो स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर गलत होता है, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर स्टेटमेंट सही है तो स्टार हमें प्रिंट कराना, और अगर गलत हो रहा है तो एल्स हमें क्या कराना है, स्पेस प्रिंट कराना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अगर हम मान लीजिए एक स्टार हमने प्रिंट करा दिया है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बैक स्लैश एन का यूज़ किया है, गेट सी एच आउटपुट स्क्रीन को यूज़ करने के लिए, और फाइनली जितने हमने ब्रैकेट्स ओपन किए थे उनको बारी बारी क्लोज कर दिया है ताकि प्रोग्राम आखिरी में एंड हो जाए। तो ये हमारी बेसिकली प्रोग्रामिंग है जो हम लोग करने वाले हैं आज। और आइए चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं आपको ले चलता हूँ और प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ। तो हम लोग आ गए हैं अब मेरी पीसी की स्क्रीन पर, और अब हम लोग करेंगे प्रोग्रामिंग स्टार पैटर्न 2 के लिए। आइए चलिए देखते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होगी, जो मैंने लिखी थी उसको रन करा के देखते हैं कि क्या वो रन होगी कि नहीं होगी इस पर। तो मैंने प्री प्रोसेसर्स को पहले से इंक्लूड कर लिया है, वॉइड मेन ये लिख लिया है, यहाँ से मैं प्रोग्राम को कर रहा हूँ स्टार्ट। और इसके बाद मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले लूँगा, इंटीजर वैल्यू मैंने पुट करानी है क्योंकि मैंने अभी स्टार जो है नॉर्मली 5 डिजिट तक लिया है जो कि इंटीजर वैल्यू में कंसिडर्ड हो रहा है, इसलिए मैं इंट लेके यहाँ पे आई कॉमा जे दो वेरिएबल ले लूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में जाके क्लियर स्क्रीन का यूज़ करूँगा ताकि जो भी हमारा आउटपुट है वो बार बार रिपीट ना हो। फिर उसके बाद जो है मैं लूप्स का यूज़ करना शुरू कर दूंगा, मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करूँगा सबसे पहले, और इसके लिए अंदर लिखूंगा आई की वो वैल्यूज जो हमारे पास हैं। तो आई की हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हैं आई इक्वल्स टू 1 से लेके, ठीक है, आई इक्वल्स टू 5 तक। तो इसमें मैं इसको इस तरह लिखूंगा, आई इज लेस देन इक्वल टू, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 से 5 है। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करूंगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा जो स्टार पैटर्न है वो मतलब हर एक स्टेप के साथ बढ़ता जा रहा है, मतलब पहले एक है स्टार, फिर 2 स्टार है, फिर 3 स्टार है, फिर अगले लाइन में 4 स्टार बनाने में 5 स्टार बनाए, इसलिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर उसके बाद एक और लूप का मैं यूज़ करूंगा, और उस इसमें मैं जे की वैल्यू को डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे जे इक्वल्स टू वन ये प्री डिफाइंड वैल्यू दे दी हमने। ठीक है, उसके बाद मैं हमें कॉलम लगा के यहाँ पे लिखूंगा जे, सेम कंडीशन रहेगी, जे इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, फिर उसके बाद यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे और नेक्स्ट लाइन में आएंगे, लिखेंगे इफ़
अब हम लोग को यहाँ पे कंडीशन देनी कि अगर ये हो ये ना हो तो ये प्रिंट होना चाहिए या नहीं प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या स्टेटमेंट देंगे, इफ जे इज, जो हमने वहां पे अपने स्क्रीन पे आउटपुट निकाला था, जनरलाइज्ड वे जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाला था, वो क्या था, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस आई, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस आई का यूज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 6 माइनस आई का यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है, इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। तो अब इसके बाद क्या होगा, अगर ये कंडीशन सही होती है तो हम लोगों को क्या लिखना है, प्रिंट एफ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि अगर स्टेटमेंट सही होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के अंदर लिखेंगे क्या हमें प्रिंट कराना है, स्टार पैटर्न प्रिंट कराना है, और उसके बाद अगर नहीं होती तो फिर क्या करेंगे, एल्स प्रिंट एफ स्पेस प्रिंट करा देंगे, ठीक है, हम एक स्पेस दे देंगे तो स्टार पैटर्न हमारा बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे हम लोग, बाहर आएंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या लाइन, अब हर एक स्टार बनने के बाद, पहला स्टार बनने के बाद अगले जो दो स्टार बन रहे हैं वो लाइन चेंज होके बन रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ, ये नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम लोग, लाइन का बहुत ध्यान देना क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है, तो हम लोग बड़ी ध्यान से लिखेंगे हर चीज को, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिख देंगे क्या बैक स्लैश एन, ठीक है, बैक स्लैश एन का हम लोगों ने यूज कर लिया है, उसके बाद हमारे जो ब्रैकेट थे उनको बारी बारी बंद करते चले जाएंगे, फाइनली यहाँ पे लिखेंगे गेट सी एच आउटपुट लेने के लिए, और जैसे ही ये लिख देंगे उसके बाद हम लोग फिर फाइनल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहला स्टार्टिंग ब्रैकेट, दूसरा स्टार्टिंग ब्रैकेट और तीसरा स्टार्टिंग ब्रैकेट हर स्टेटमेंट को कराने के लिए मैंने दिया है, ठीक है, ये जो सबसे ऊपर वाला है ये पूरी बॉडी को इंक्लूड करता है, ये वाला जो है वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करने के लिए है, ठीक है, अगर ये हो तो ये हो और ये ना हो तो ये हो, तो हमने जो भी स्टेटमेंट लिखा था वो हमने प्रिंट करा लिया है, प्रोग्राम को रन करा के देखते सही है गलत, तो हमारा प्रोग्राम एकदम सही है, और ये स्टार पैटर्न जो आप, मैंने कहा था कि ये स्टार पैटर्न बनेगा, वो पर्टिकुलर स्टार पैटर्न बन के आ गया। तो ये था स्टार पैटर्न 2 के बारे में प्रोग्रामिंग, अगर आपको मेरी प्रोग्रामिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे देखते रहें मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच।